ओके गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे रोटेशंस पे। तो रोटेशन का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना, यानी कि घुमाना है। और ये जो घुमाना होता है या रोटेट करना होता है, ये सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। अगर आप एक एग्जांपल यहाँ पे अज्यूम करें कि एक घड़ी है, घड़ी के अंदर जो आपके पास नीडल होती है आपके पास सेकंड्स की, तो वो सर्कुलर मैनर के अंदर घूम रही होती है। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है सर्कुलर मैनर में, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्शन। डायरेक्शन दो टाइप्स की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज, इसी वजह से मैंने आपको शुरू में एग्जांपल जो है वो क्लॉक की दी थी, कि निडल का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, यानी कि इट मूव इन द राइट डायरेक्शन और राइट सर्कुलर डायरेक्शन मूव करी होती है। इसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन है आपके पास वो डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। जैसे कि अगर आप देखें कि क्लॉक की जो नीडल है वो अगर उसका डायरेक्शन ये है, तो अगर आप इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉक वाइज एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। सेकंड इज सेंटर ऑफ रोटेशन, कि किस सेंटर के अक्रॉस आप किस चीज को एज अ सेंटर रख के उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर रहे हैं। अगर वो 0 0 है तो ऑब्वियसली ओरिजिन होगा, और आज की वीडियो में हम सेंटर ऑफ रोटेशन को ओरिजिन अज्यूम करके सारी अपनी रोटेशंस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम सेंटर ऑफ रोटेशन अदर देन ओरिजिन यूज करेंगे, और वहां से हम देखेंगे किस तरह से रोटेशन होती है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन होना बहुत जरूरी है पता, और एंगल, एंगल कैन बी 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज और 270 डिग्रीज। सीआई में इन तीन पर्टिकुलर एंगल्स में से किसी भी एक एंगल्स पे आपको रोटेशन आ सकती है। तो आपके वो जो गिवन होगा वो डायरेक्शन गिवन होगा, और साथ में उसका एंगल गिवन होगा कि 90 डिग्रीज आपने क्लॉकवाइज मूव करना है, या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या तो 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, या एंटी क्लॉकवाइज एंड सो ऑन फॉर 270। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रोटेशन की बात करें। आज की वीडियो में बात करेंगे रोटेटिंग रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने का क्या मतलब है? आपने गिवन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपके पास दिखाया हुआ है, ये गिवन ऑब्जेक्ट है, उसको आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। तो अगर हमें यहाँ पे तीन अपने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लूँ, ये जो पहला पोर्शन है इसको मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहता हूँ, ये जो दूसरा पोर्शन है मेरे पास दिस वन, दिस होल रीजन इज सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये चार क्वाड्रेंट है, तो आप जब भी मूव करेंगे गिवन ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो अपना क्वाड्रेंट चेंज करेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फोर्थ में आ जाएगा, अगर वो सेकंड में है तो वो फर्स्ट में आ जाएगा एंड सो ऑन। इफ फोर्थ में है तो वो थर्ड में आ जाएगा, यानी कि अपने जो उसके एडजेसेंट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर आ जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि इस केस में फर्स्ट से वो फोर्थ डायरेक्शन में आ गया। ये आपके पास ए पॉइंट था, लेट से अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ, ए पॉइंट जो है मेरे पास उसके, ये मेरे पास ए है, ये बी एंड ये सी। सो अगर मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट से 2 एंड 1, तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद अब ए मेरा जो पोजीशन पे चला गया है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे, ए मेरे पास चला गया है -2, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है और ये ए है, तो ए अब मेरे पास हो गया है -1 एंड -2।
तो आपने देखा है किस तरह से ए के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए आपके इमेज में, और मैं इस कोऑर्डिनेट को ए स्टेरिक या ए स्टार ए डैश कह लेता हूँ। इसी तरह से अगर आप बी के कोऑर्डिनेट्स देखें, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास बी था ये वाला पॉइंट, और अगर मैं बी मूव करूँ तो ये मूव हो गया है आपके पास इस जगह पे। सो माई बी इज़ दिस वन, बी डैश एंड बी डैश इज नाउ वन एंड माइनस फोर। सिमिलरली अगर आप सी को देखें यहाँ पे, तो सी मेरे पास ये पॉइंट है, तो सी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट में पॉइंट है वो ये है, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो वापस मैं अपनी पोजीशन में रहता हूँ उसको, और अब मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्रीज, तो आप देखें ये आ रहा है सी यहाँ से मूव होके इस जगह पे। वंस अगेन यू कैन सी इट, ये आपके पास सी था और सी आपके पास ये आ गया इस जगह पे सी डैश। सो माई सी डैश इज दिस पॉइंट, और सी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 2 एंड 3। सो सी डैश इज नाउ आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज 3 एंड -2। ये मेरे पास रोटेट करने के बाद सी सी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये मेरे पास सारे जो डैश वाले हैं ये इमेज के कोऑर्डिनेट हैं, ये मेरी इमेज है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है एक ऑब्जेक्ट को व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे, तब आप ये आप हमने देखा कि इसको रोटेट किया, यानी कि इस पॉइंट से हमने इसे रोटेट किया। माय पॉइंट ऑफ रोटेशन वाज, यानी कि जब आप इसको रोटेट कर रहे होंगे तो अपनी पेंसिल को अगर आप ट्रेसिंग पेपर से कर रहे हैं तो 0 0 पर रखेंगे। तो ये तो आपके पास आपने यहाँ पे फिजिकली रोटेट करके देख लिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर या रोटेशन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैथमेटिकली भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम किस तरह से करेंगे इसे, कि अगर आपके पास एक गिवन ऑब्जेक्ट है और उसके पॉइंट्स आपको पता हैं, जैसे कि इस केस में ए के पॉइंट्स हैं 2 एंड 1, तो अगर हमारे पास एक गिवन ऑब्जेक्ट है ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, सो दे विल बिकम ए बार विल बिकम वाई एंड एक्स, और साइन आप लगा देंगे माइनस का वाई वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ, यानी कि साइन ऑपोजिट कर देंगे वाई वाले कोऑर्डिनेट की, जैसे कि इस केस में मैंने किया है। अब देखते हैं क्या ये वैलिड है इस केस में। नहीं, ए मेरे पास था 2 एंड 1, सो माई ए डैश विल बिकम, मैंने दोनों को स्वैप कर देना है वाई और एक्स को, मैंने वाई और एक्स को स्वैप कर दिया, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट था उसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, यानी कि साइन को ऑपोजिट कर दिया, तो ये मेरे पास 1 एंड -2 आया। तो ए बार के मेरे पास इस फॉर्मूले से भी जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 1 और -2 आ रहे हैं, और हमने रोटेट करके फिजिकली जब देखा तब भी हमारे पास 1 एंड -2 आए। सिमिलरली हम बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 4 एंड 1, नाउ माई बी बार विल बिकम, मैंने वाई और एक्स को आपस में स्वैप कर दिया, तो वाई की जगह एक्स लिखा, एक्स की जगह वाई लिखा, और साइन मैंने वाई के कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव लगा दी, सो माई बी डैश हैज़ बिकम 1 एंड -4, और यही मेरे पास फिजिकली रोटेट करने के पास भी आया। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट से मेरे पास 2 एंड 3, सो माई सी बार विल बिकम, दोनों को मैं स्वैप करूंगा, 2 की जगह मैं लिखूंगा 3 और 3 की जगह मैं लिखूंगा 2, और साइन को मैं वाई वाले के ऑपोजिट कर दूंगा यानी कि नेगेटिव, सो माई सी बार बिकम्स -2। तो आपने देखा कि हमने कितना इजीली किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है इमेज हमारे पास आई रोटेट करने के बाद 90 डिग्री क्लॉक वाइज
when center is origin, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आर बोथ द सेम. सो ये वैलिड है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोथ आर सेम थिंग. तो अगर आपके पास पेपर में 90 डिग्री क्लॉकवाइज करने को आता है तब भी आप यही टेक्निक अपनाएंगे, और अगर आपके पास पेपर में 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज आता है तब भी आप यही फार्मूला यूज कर सकते हैं. बट द थिंग इज योर सेंटर ऑफ रोटेशन शुड बी एट ओरिजिन. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल. मेरे पास एक एग्जाम्पल है और इसमें मुझे रोटेट करना है अपने गिवन ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्लॉक वाइज, और अगर ये लिखा होता 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉक वाइज तब भी आप यही चीज़ अप्लाई करते, तब भी आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते अराउंड द ओरिजिन. ओरिजिन से मूव करना बहुत ज़रूरी है, आपसे सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो ओरिजिन है. सो माय सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट ओरिजिन. अगर सेंटर ऑफ रोटेशन अदर देन ओरिजिन है तो फिर ये टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती जो हमने लास्ट एग्जांपल में की है. अगेन यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ए बी सी एंड डी. तो मेरे पास ये चार पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बारी बारी लिखूँगा. ए के मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं माइनस थ्री एंड वन. सो सिमिलरली वही वाली टेक्निक अगर हम अप्लाई करें, सिमिलरली हमें पता है कि एक्स और वाई अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपके जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे वाई एंड एक्स, जबकि आप वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन निगेट कर देंगे यानी कि माइनस का साइन आप लगा देंगे साथ में. तो यही चीज़ हम करते हैं, एक्स और वाई को स्वैप करते हैं यहाँ पे. तो मेरे पास ए बार बन जाएगा वन एंड थ्री, माइनस थ्री इनफैक्ट, बट मैं अपने वाई कोऑर्डिनेट जो कि मेरे पास माइनस थ्री है उसके साइन को निगेट करूँगा यानी कि ऑपोजिट कर दूंगा. सो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव थ्री. सो माई ए डैश इज वन एंड पॉजिटिव थ्री. सो मेरे पास ये ए था और ए डैश, ए मेरे पास ये था, अब ए डैश देखते हैं कहाँ आ गया है मेरे पास, वन एंड एक्स एक्सिस में वन एंड वाई एक्सिस में पॉजिटिव थ्री. सो आपने देखा कि ये यहाँ से मूव होके इस जगह पे चला गया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट से मूव होके अपने एडजेसेंट क्वाड्रेंट में चला गया विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट मींस कि हमने परफेक्टली बिल्कुल सही रोटेशन कर रहे हैं. अब ये हमारा ए डैश है. सिमिलरली अब हम देखते हैं बी वाला पॉइंट विच इज वन एंड टू. बी इज वन, एक्स में वन है जबकि वाई में टू है. सो माई बी बार नाउ विल बिकम टू एंड वन, और साइन को मैं कर दूंगा ऑपोजिट. तो साइन वन के साथ तो पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव. सो माई बी इज नाउ आफ्टर मूविंग टू, वाई के अंदर मेरे पास टू है, जब एक्स के अंदर मेरे पास टू है जबकि वाई के अंदर है माइनस वन. सो अब आपने देखा कि ये बी जो है मेरे पास यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में था बी, तो अपने एडजेसेंट क्वाड्रेंट जो कि उसका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें मूव हुआ है. सो हमने बिल्कुल परफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को मूव किया है. अब हम देखते हैं सी को. ये मेरा सी वाला पॉइंट है और सी है मेरे पास टू एंड वन अगेन. सो सी बार विल बी वन एंड टू, और साइन को मैं कर दूंगा ऑपोजिट वाई वाले के, सो इट विल बिकम नेगेटिव टू.
ये मेरे पास आ गया 1n-2, इतफाक से ये डी वाले पॉइंट पे आ गया। अगेन सी जो है हमारा मूव हुआ है, सी डैश ये हो गया मेरे पास। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट डी। डी इज मेरे 1n-2, सो डी बार विल बिकम -2n1, बट साइन विल बी ऑपोजिट, क्योंकि साइन जो है वो हमें चेंज करना ज़रूरी है, तो हमने इसको -1 कर दिया। अब डी बार के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास -2, विच इज़ दिस, एंड -1, विच इज़ दिस। सो ये मेरे पास डी बार के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। ए डैश को मैंने बी डैश से ज्वाइन किया, एंड बी डैश को मैंने सी डैश, जो कि डी पे ही आ रहा है, और डी को अगेन मैंने ज्वाइन किया सी डैश। सो मेरे पास ऑब्जेक्ट जो रोटेट होके आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, और ये हमारे पास फाइनल रोटेटेड फिगर आ गई, जिसको हम कहेंगे इमेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहें।